तो दोस्तों दिन के उजाले में तो आपने काफी स्ट्रीट फूड खाए होंगे, काफी रोमांचक स्ट्रीट फूड खाए होंगे और मजे भी लिए होंगे। क्या आपने कभी रात के 4 बजे, मतलब सुबह के जो 4 बजते हैं ना, 7 बजे से पहले जब उठते हो, उससे पहले जब 4 बजते हैं क्या, और 3 बजे से मतलब यहाँ पे का स्ट्रीट फूड ट्राई कराया आपने? 3 बजे का स्ट्रीट फूड मेन, अभी हम 3 बजे लिख लेते हैं और 4 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं। और पहुंचते साथ हमने जो ये नज़ारा देखा ना, आप सामने आप देख सकते हो क्या नज़ारा है, मतलब 4 बजे लोग भूखे आ रखे हैं यहाँ पे, और भीड़ देख सकते हो इतना क्राउड हो रखा है यहाँ पे, चारों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बाइकें लगी हुई हैं, बंदे बुलेट पे आए हैं, अपनी गाड़ी में आए हैं और खा के आ रहे हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि खा के आ रहे हैं। और मैं लोकेशन की बात करूँ ना मैं आपसे, तो आप ये लोकेशन देख सकते हो, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर बिल्कुल एक के बिल्कुल पास, इतनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे। न्यू मैरिड कपल भी आ रखे हैं मैंने देखा, और बच्चे भी आ रखे हैं, एजड बंदे भी आ रखे हैं, और काफ़ी लोग आ रखे हैं। तो मैं देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिल रहा है ऐसा कि जो लोग बाग इतना पागल हो रखे हैं, वो भी रात के 3 बजे यहाँ पे भीड़ लग जाती है और 3 बजे आ रखे हैं। ये देख सकते हो आप, 3 बजे से लेकर 4 बज गए, 4 बजे से लेकर 4:30 बज गए, भीड़ कम नहीं हुई है, भीड़ और बढ़ गई है। मुझे लगता है जो नाइट शिफ्ट करते हैं ना यहाँ पे, वो भी रात को इधर आ जाते हैं खाना खाने, और जो मॉर्निंग की जो भीड़ है वो तो अलग ही है, नॉर्मल बंदे अलग खाते हैं, रात में बंदे अलग खाते हैं। एक बार इस साइड से आप देख सकते हो, भीड़ देख सकते हो बस, तो मेन राज आप देख सकते हो वहाँ जो भीड़ लग रही है ना, वो इन समोसों की वजह से लग रही है। और समोसे भी यहाँ पे कितने तरह के, मतलब बहुत तरह के समोसे हैं, यहाँ वेज बनते हैं, यहाँ नॉन वेज बनते हैं, यहाँ पे वेज और नॉन वेज समोसे मिलेंगे। आलू का समोसा मिलता है भी यहाँ पे? आलू का समोसा यहाँ मिलता ही नहीं है, मतलब आलू की जो मेन चीज़ है इन्होंने वही निकाल दी। और आप देख सकते हो ये ग्रेवी, मतलब इन्होंने इनके अलग अलग जो समोसे के टाइप है वो यहाँ पे रखे। भैया कितने तरह के समोसे हैं? 18 तरह के समोसे आप देख सकते हो यहाँ पे। भैया समोसे की लेयर बना रहे हैं, उसके बाद यहाँ भैया समोसे बना के रिफिल करके यहाँ पे भैया बिल्कुल रेडी कर देते हैं, उसके बाद ये बाहर जाते हैं समोसे और तलने के लिए, बनने के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे मेकिंग, मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से, यहाँ पे 2 भैया लगे हुए हैं। भैया कितने टाइम से आप यहाँ पे मतलब समोसे बनाते हो, मतलब कितना टाइम हो गया, मतलब लॉकडाउन के टाइम से ही, मतलब लॉकडाउन के टाइम से ये लगे पड़े हैं यहाँ पे समोसे बनाने के लिए, लॉकडाउन के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हुई है। और बाहर तो मैंने आपको भीड़ दिखा ली, मेन राज यही है इन समोसों का, और भी काफ़ी चीज़ें जो मतलब रात को चल रही है। मेरे को और उस साइड पनीर के हैं समोसे और काफ़ी चीज़ें, आलू भी रखा हुआ है वहाँ पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि समोसे जो मतलब क्या बन रहा है बाहर, जो इतनी भीड़ हो रही है। बस दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ लग रहे हैं समोसे, वो भी नॉन वेज, या मेकिंग देखो भाई, तल रहे जा रहे हैं यहाँ पे, वहाँ से समोसे बन के आते हैं और यहाँ तले जाते हैं। और इस साइड भीड़ देख सकते हो आप कितनी हो रही है, भीड़ देख सकते हो, ये पता नहीं क्यों पागल हो गए हैं लोग, लड़का हो लड़की हो सब यहाँ पे आए हुए हैं, और इस भीड़ के लिए लड़ाई भी हो जा रही है यहाँ पे। भाई हंगरी राइडर, भाई क्या नाम है आपके चैनल का? ओके भाई, ओके ओके भाई, प्रमोशन करते चलो। ओके भाई, कोलैब हो गया भाई साहब। भीड़ देख सकते हो आप यहाँ पे कितनी हो रही है, यहाँ जो समोसे, यहाँ पे चिकन वाले समोसे मिल रहे हैं,
यहाँ कुल्लड़ चाय मिल रही है, आप देख सकते हो, आप चाय का भी आनंद उठा सकते हो। उधर मिल रहे हैं वैज समोसे और ब्रेड पकौड़े भी मिल रहे हैं, लेयर देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े यहाँ पे समोसे भी हैं, ब्रेड पकौड़े भी हैं। अब हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा है। और आप एक बार लास्ट ये देखो कितने बड़े बड़े समोसे निकाले जा रहे हैं यहाँ, ये देखो आप, ये आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े समोसे हैं। नॉर्मल समोसे नहीं है, मैंने पता करा 60 रुपए का एक समोसा है, कोई सा भी ले लो समोसे के। टोंगे लेने गया जो कि भूल गया, वो क्या एक्सपीरियंस लगा तेरा, मतलब तू आया? बहुत भीड़ है यार, सुबह 3 बजे से बंदे यार पागल हो रहे हैं यहाँ तो समोसे खाने के लिए, सिर्फ समोसे खाने के लिए, समोसे और ब्रेड पकौड़े हैं सिर्फ इनके पास और हाँ। और चाय है कुल्लड़ वाली। आनंद तेरे को कैसा लगा? पहले तो तू आ नहीं रहा था यहाँ, भुक्कड़ है सब, भुक्कड़ है भाई, आधी भीड़ तो मुझे लग रहा है किस चीज की है। अभी तो मेरे ख्याल से यार मुर्गा भी नहीं उठा होगा, जितनी जल्दी ये आ गए लोग यहाँ पे भीड़ लगा दी इतनी। भाई कुछ काम हो तो बंदे उठ के नहीं आएंगे, पर खाने के मामले भाई साहब, खाने के मामले में मतलब संडे है तो यार हाँ 2 बजे से आ ये इसको प्लेट नहीं दे रहे थे भाई, दे नहीं दी प्लेट, दे दी। और कितनी लाया अभी? ये दे सारी चुरा के लिया है, ये 4 की जगह 8 लाया है। अब चटनी नहीं लाया, चटनी है उसके अंदर भाई। अच्छा भाई निकालो समोसा, निकालो भाई, तू ही निकालेगा तेरे याद ना लिया भाई। कुल्लड़ वाली चाय समोसे, तेरी वाली कौन सी थी उसमें सर? भूख गया भाई, देख ले मेरे ऐसे करना, उसको सूप बैंजर चाय भूखे हो गए, ऐसे देख ले समोसा दे। चलो निकालो निकालो समोसे ले। भाई आनंद तूने क्या कर दिया है समोसे के साथ? भाई इसने किया है, इसने बलात्कार मतलब तूने वो निकालते होगी भाई, तुझे सबर नहीं हो रहा था, तुम मतलब सबर नहीं हो रहा था तुम बंदों से, रबर जैसा है कैसे सबर करे।
भाई ये कौन सा समोसा है पता नहीं ये भाई हमने क्या अलग अलग समोसे लिए, हमने चार समोसे लिए अलग अलग भाई। भाई इसका पता है क्या है? हाँ अब यहाँ रख, यहाँ इधर रख, ये नहीं रखा जाएगा अभी मैं कर रहा हूँ। तो ये हाथ में कैमरा है, कैमरा ही तो पकड़ जेब में डालना, पकड़ ये पकड़ ये। तो दोस्तों आप ये हमारा छोटा सा सेटअप देख सकते हो, यहाँ कुल्लड़ वाली चाय, यहाँ हमने चटनी डाल ली, यहाँ हरी चटनी और लाल चटनी। ये आनंद चाय की चुस्की लेते हुए कैसा लग रहा है आनंद? बढ़िया। और भाई ये समोसा खोल के दिखा आनंद, कौन सा समोसा है ये? आप देख सकते हो पनीर भरा हुआ है भाई इसके अंदर, मतलब ये देखो, अरे देखो तो सही यार, ये देखो पनीर वाला समोसा, प्याज भी है, मतलब ग्रेवी भी लग रहा है कि टेस्टी होगा या नहीं होगा आगे बताते, आगे बताएंगे भाई। ठीक है, और मोहित ने उठा लिया, ले मोहित भाई, ये मोहित वाला समोसा कौन सा निकला है? ये भी मेरा भी भाई पनीर का है भाई, ये मंचूरियन नहीं है वो चटनी के भाई, पनीर सीटों में चटनी, पनीर वाला समोसा इन्होंने, ये पनीर वाले समोसे लेके आए हैं, बट बात हुई थी कि अलग अलग लेके आना, बात हुई थी अलग अलग देगा, लेकिन ये अफगानी है भाई, भाई ये अफगानी है। और ये मेरा लास्ट है, मैं आपको दिखा, जापानी भाई ये, मैं ये भी पनीर है। और आपको ये सुन के बड़ा बुरा लगेगा कि ये भी पनीर, क्योंकि सावन चल रहा है तो इसलिए पनीर। तुम तो समोसा देख सकते हो, हमने खाना स्टार्ट कर दिया है, आनंद ने भाई मुझसे पहले खा लिया, आनंद बताएगा कि ऐसा कैसा लगा, मैं तो खा रहा हूँ अभी, बता आनंद भाई वाह क्या समोसा है, मजा आ गया, मजा आ गया, कुछ पूरा ही अलग है भाई, सिस्टम ही अलग है भाई, थोड़ा लाइट लग रहा है। तो दोस्तों अब दूसरी जगह पे मिलते हैं, ये तो समोसा मैंने खा लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाने वाली, वो सब दिखाऊंगा बस। भाई आप समोसा खा रहे हो यहाँ पे, रात के 4 बजे आए थे, 3:30 बजे, 3:30 बजे आए, तो कैसा लगा समोसा? अभी खा भी रहे हैं भाई, कौन सा समोसा है आपका? भाई ये पास्ता समोसा है। तो भाई कैसा लगा आपको समोसे? बढ़िया, लेकिन भाई बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही भीड़ होती है। आप तो मतलब कह रहे थे भाई आते रहते हो यहाँ पे? हाँ आते रहते हैं, तो आप हर वीकेंड पे आते हो यहाँ पे? हाँ। इतनी भीड़ हमेशा होती है? हमेशा ही होती है, पहले कम नहीं होती थी 1-1.5 साल पहले, लेकिन हम बहुत ज्यादा एकदम से भीड़ ज्यादा हो गई। तो भाई आपने कौन सा समोसा खाया? मैंने पास्ता ही खाया। तो कैसा लगा भाई वो? भाई टेस्टी होता है, पहले भी खा रखा हमने, तो पहले भी खा रखा। यहाँ पे बेसिकली पहले रील नहीं बने थे ना इसके, हाँ तो थोड़ी कम भीड़ थी, अब ज्यादा भीड़ होने लगी, ज्यादा भीड़ हो, आस पास के सब देख के आने लग गए। हाँ हम तो बहुत पहले से आ रहे हैं यहाँ पे। ओके भाई ओके, आप यहाँ पहली बार आ रहे हो या पहले से आए हुए? नहीं फर्स्ट विजिट है। फर्स्ट विजिट है भाई आपका? फर्स्ट है भाई आपका भी फर्स्ट है भाई, थोड़ा शर्मा रहे हैं भाई। आप क्या कहना चाहोगे, समोसा खाया आपने, समोसा कैसा लगा? टेस्टी है, पर ये इंतजार बहुत करा था, इंतजार 2:30 बजे आए थे पहले, वो 2:30 बजे आए थे, हमने देखा टाइम लगेगा तो हम गुरुद्वारे चले गए यहाँ पे। अच्छा अच्छा भाई आपने कौन सा समोसा खाया? ये पनीर वाला। पनीर वाला भाई कैसा लगा? मस्त है, वैसे तो बस टाइम ज्यादा लग गया, पर टाइम ज्यादा लग गया पर समोसा मिल गया। टेस्टी है नहीं है? टेस्टी है, टेस्टी है भाई। पहली बार आए और आप? हाँ ओके भाई ओके। तो अब हम आ गए अपनी दूसरी लोकेशन, मतलब वही दूसरा स्टॉल है, हमने देखा भाई यहाँ सुबह सुबह अगर आपको मैगी खाने की क्रेविंग हो रही है तो वो आप खा सकते हो। मोहित को मैगी खाने की क्रेविंग हो रही है, मोहित मैगी खाने भाई को, भाई 2 मिनट में मैगी बना देते हैं भाई। और आप देख सकते हो यहाँ मैगी बनने में क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे। क्या नाम है भाई सबसे पहले आपका? मेरा सजा दुकान का सिद्धार्थ जी के नाम से, सिद्धार्थ जी के नाम। आपका नाम क्या भैया? मेरा कालजीत सिंह। तो भैया क्या क्या मिलता है आपके, क्या खिला रहे हो दिल्ली को? मैगी मिल रही है, पराठे मिलते हैं। हाँ। और आपको अपना कबाब रोल? अच्छा कबाब रोल भी? हाँ जी कबाब भी, मोमोज भी तैयार हो रहे हैं, कल से स्प्रिंग रोल मिल जाएंगे। ओके आपकी टाइमिंग क्या है, मतलब यहाँ पे टाइमिंग? 4 से 7, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो आप दोस्तों को यहाँ देखते हो मैगी बन रही है, पराठे बन रहे हैं और कबाब भी मिल जाएंगे आपको। एंड ये आप देख सकते हो सबों पराठे की, आप जगह मैगी भाई को देख सकते हो, और घर जाके पराठे मिलेंगे पंजाबी पराठे, वो नहीं पतले पतले एकदम नहीं, मोटे मोटे बड़े बड़े पराठे। दो मैगी है, एक भाई साहब की है, भाई भाई वैसे नहीं मिलेंगे जैसे जैसे वो पतले पतले बना दिए जी, पतले पतले एकदम बेल के रख दिए, जो रेडियो पे मिलते हैं दूसरी पे हैवी पराठे मिलेंगे सरदार जी के, हैवी पराठे। और ये मैगी बन रही है यहाँ हमारा, आप देख सकते हो पराठा बन रहा है, नीचे टिश्यू रख लेना।
पे सुबह सुबह आलू पराठा फिर फुल लोडेड बटर आए हैं। फोकस हो रहा है उसमें। तो ये हमने पराठा और मैगी यहाँ पे बिल्कुल आप ई रिक्शा में बन रही है देख रहे हो भैया पराठा और मैगी। ये हमारी मतलब इस जिला नगर मेट्रो स्टेशन की दूसरी लोकेशन मतलब कह सकते हैं या दूसरा स्ट्रीट फूड कह सकते हो। अभी दो स्ट्रीट फूड और हैं वो मोटो सेवन तो मेरे को नॉर्मल लग रहा है वो तो एक शॉप ही है बट अभी दो कवर कर दिया तो हमने दो स्ट्रीट फूड कवर कर दिए यहाँ के दो रह रहे हैं दोनों अभी कवर करेंगे तो वीडियो में बने रहना। ये सब ये आप देख सकते हो पराठा फुल भाई फुल बटर के साथ लोडेड और भाई फुल फिलिंग आप देख सकते हो भाई फुल भर के फिलिंग है ठीक है एंड बटर है इसके साथ हमें दी है चटनी दी है अचार दिया और प्याज दिए। इस साइड आप देख सकते हो ये रही मैगी आनंद की नहीं मोहित की उस पर आई है ये मैगी गाय मोहित तो आनंद की मैगी गर्मा गर्म मैगी दो मिनट में बन जाती है भाई। और भाई सबसे पहले मैं मैगी टेस्ट करता हूँ मैगी मोहित टेस्ट करेगा इसमें थोड़ा सा ना बटर डाल देता तो एंड मोहित ट्राई करता हूँ मैगी मैं ट्राई करता हूँ पराठा मैं और आनंद पराठा ट्राई करता हूँ आनंद नहीं पराठा तू दे भाई तू कर दे आनंद तो फ्रेम में ही नहीं रहा नहीं मेरे इधर आना भाई पराठा बहुत बड़ा पराठा मोटा है पतला नहीं है एंड आप चटनी दे सकते हो कैसी है एकदम धनिया से बिल्कुल भाई साहब कड़क चटनी लग रही है देखने यार टमाटर वाली चीज़ कुछ नहीं मिली है वो भाई इतना गर्म है प्लेट जल्दी भाई बढ़िया है मजा आ गया तुम पराठा भाई मैं मैगी ट्राई करके बताता हूँ आपको कैसी है जो कि तो पहले खा चुका है मैगी का टेस्ट तो भाई वही है जो नॉर्मल मैगी का टेस्ट होता है जो हम नॉर्मल घर में बनाते हैं तो हम बेकार में आ गए यहाँ पे लेकिन सुबह सुबह यहाँ आके खाने का मजा कुछ और है। अच्छा आप फील ले रहे हो पराठा गजब है आसिफ आपको बताएगा मैगी और पराठा उसे कैसा लगा पराठा सॉरी यार आसिफ खत्म हो गया भाई कोई बात नहीं भाई मैगी खा अरे अभी बहुत कुछ है खाने के लिए अब सारी चीज ट्राई करेंगे और बताएंगे भी पेट में जगह बना रखें पेट में थोड़ी सी बस जगह बनाए रखें बढ़िया है यार इसमें क्या बताऊँ मैं कुछ नॉर्मल ही है नॉर्मल है बस एक कैप्सिकम डाल रखी है कुछ एक्स्ट्रा नहीं है टुकड़ा खा ले तो कुछ और खा भाई तो ले और मैं खा के दिखा बताता हूँ आपको कैसी है खाते हुए तो देखा बड़ी सिंपल सी तो इसमें क्या वो बना दे कैसे लड़ रहे हैं तीनों दिवा कोई चम्मच के लिए लड़ रहा है कोई खाने के लिए भाई अब हम खा रहे हैं मैगी दो मिनट वाली मैगी खा रहे हैं और दो मिनट देखिए मैगी भी भाई बढ़िया है थोड़ा नमक ज़्यादा लग रहा है पर मेरे को बढ़िया लग रही है मसाले थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं ये पंजाब के हिसाब से बनाई गई मैगी है भाई पंजाबी मैगी है साफ सुथरी बात है बटर और नमक सब तगड़ा हुआ है और इधर पंजाबी मैगी को दिखा दो ये रात को आए थे सुबह होने को है आज ये चम्मच वो भी खा सकता है दोस्तों अब हम आ गए अपनी तीसरी लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ भीड़ देख सकते हो तो सरदार जी क्या खिला रहे हो दिल्ली के लोगों को सोना चांदी मैंने सुना आपके मोमोज हरे भरे मोमोज है एक बार मेरे को दिखाओगे वो मोमोज अलग अलग सोना ये आपका सोना और चांदी कौन सी है भाई चांदी है ये चांदी है कितने रुपए प्लेट है चांदी और सोना 100 रुपए प्लेट मात्र 100 रुपए प्लेट तो एक हमारी ना चांदी लगा दो एक प्लेट तीन मेरे को टाइमिंग और बता दो क्या टाइमिंग है आपका यार टाइमिंग हमारा 4 बजे का हम 4 बजे यहाँ पे आते हैं 4 से लेके 7 बजे तक 7:30 तक ओके पर आपने अगर सारी चीजें वैरायटी चाहिए तो 6 बजे से कोशिश करना पहले ही आओ क्योंकि 6 बजे बाद हमारे आइटम का कोई पता नहीं कौन सा ऑर्डर था ओके तो मतलब खत्म हो जाती है बहुत जल्दी बिल्कुल आप लोग प्यार ही इतना
आना ओए तो भाई साहब। तो दोस्तों हमारे पास आ गया सोने वाले मोमोज, सोना मोमोज। आगे सो जाए ठीक है। अब मोहित और आनंद आसिफ ट्राई करके बताएंगे आपको। खाओ खाओ भाई तीनों। टिशू लिया टिशू का इशू है। इधर आ जा। पनीर है क्या? पनीर लेगा 24 कैरेट सोना लिखाएगा तू। पनीर नहीं मिलता भाई। अच्छा गरम नहीं है। तो अब ये तीनों आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे हैं। हाँ भाई टेस्ट करो ये तीनों। पहली बात तो भाई बहुत गरम है। बहुत गरम है भाई। गरम तो होंगे ही, मोमोस है। जैसा कि मेरी बहुत बढ़िया। दूसरी बात भाई चटनी भी बहुत बढ़िया है। चटनी भी बहुत बढ़िया लगी भाई। भाई मोमोज की तो बाद में तारीफ करिए, पहले चटनी की तारीफ करती है। मतलब मोमोज में चटनी तो मेन होती है भाई। चटनी बेकार होगी तो कुछ नहीं है। हाँ चटनी आनंद तुझे कैसी लगी चटनी? सुबह जाएगा चटनी चूरन और चटनी। भाई चटनी खा के तन बदन में आग लग रही है। आग लग गई इतनी तीखी है वो। इतनी तीखी सुबह। तू क्या कहना चाहेगा भाई? मेरे को तो मेहनत बढ़िया लगी। मैं मेहनत खा रहा हूँ भाई। म्यूनिस की तरफ ही जाएगा। आप मोहित तू क्या बताएगा भाई? स्पाइसी है और बढ़िया है। मोमोज मोमोज में पनीर ही पनीर है। पनीर प्याज तो दो तीन पीस दिखाई दे रहे हैं, वरना पनीर ही डाला है उन्होंने। टमाटर के बारे में नहीं पूछा है? टमाटर का एक पीस नहीं है भाई। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो दोस्तों अब मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ ये सोना वाले मोमोज। और सबसे पहले आप इनकी फिलिंग देख सकते हो भाई, फुल पनीर भरा हुआ है। प्याज भी आ गया भाई, प्याज भी है, पनीर भी फुल है। मोमोज देख सकते हो आप कैसे भाई। ये मोमोज आपने कभी ना खाए, ना सोना ना चांदी। तो अब मैं आपको खाता भाई म्यूनिस देगा चटनी लाल, और उसके बाद मैं टेस्ट करके बताता हूँ। कोई बंदा सुबह उठता नहीं है और पाँच मोमोज खा रहा है। मोमोज वो भी सुबह सुबह भाई 3 बजे मोमोज मोन खाता है भाई। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं रात के या सुबह के 4 बजे या 3 बजे मोमोज खाने आऊँगा, पर मैंने टेस्ट करा, अमेजिंग टेस्ट था भाई, बहुत बढ़िया। खाने के बाद नींद आ रही है। किसको नींद आ रही है भाई? सोते मोमोज का मजा ले रहा है भैया। हुआ नहीं भाई, इसमें टमाटर नहीं है? नहीं भाई। टमाटर के साथ कितने का ये? 160 रुपए प्लेट भाई। टमाटर दोगे तो टमाटर के साथ चटनी लोगे ना 160 रुपए प्लेट भाई। वैसे 100 रुपए की, 100 रुपए की है तो आप डिसाइड कर लेना टमाटर के साथ लोगे या टमाटर के। क्या खा रहे हो सुबह सुबह? ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड
भाई मैगी कितने रुपए प्लेट है बाजी? 50 रुपए। मैगी 50 रुपए प्लेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रुबारी रोटी से रोल मिल रहा है, सीख रोल, और मटन रोल भी मिल रहा है। और आप ओवरऑल यहाँ पे भीड़ देख सकते हो तिलक नगर मेट्रो में। अभी टाइम 5:30 होने, 5:24 हो रहे हैं, और भीड़ थोड़ी बहुत कम हुई है, पर सुबह जो लोग आ गए हैं। और आगे गाड़ियाँ भी देख सकते हो आप, कितनी गाड़ियाँ हो गई हैं, बाइक हो गई हैं, और भीड़ भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, लाजवाब। यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है भाई बहुत अमेजिंग है, इसलिए भीड़ लगी हुई है। और आप देख सकते हो इस समय भी लोग आ रहे हैं सुबह सुबह उठ के, अपनी नींद को त्याग करके, एंड यहाँ खा भी रहे हैं। तो दोस्तों वहीं अब हम आ गए हैं मैटर ऑफ डे, जो तिलक नगर जो स्ट्रीट फूड है ये भी सुबह सुबह खुल जाता है मैटर ऑफ डे। और हमने यहाँ अलग अलग चीज़ ले ली है, जैसे कि मोहित ने लिया है ब्लैक करंट ब्लूबेरी, और मेरे लिया है क्लास सेगमेंट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे पिज्ज़ा है, बर्गर है, स्नैक्स है, कुकीज़ है, हॉट कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी है, एंड बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। इवन मैंने लिया, आनंद ने क्यों भाई तूने लिया क्यों नहीं और बताएगा, अब इतनी सुबह इतना सब एक साथ कैसे ले लूं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो भाई ये तो एक तरह से ड्रिंक है ना, ये तो वो रिफ्रेश कर देगा तेरे को, तू कर भाई देखता हूँ कितना रिफ्रेश होता है। तो आशिष तूने क्या लिया है? भाई मैंने ब्लैक करंट लिया, भाई मैंने लिया ब्लूबेरी। तो भाई टेस्ट करने के बाद कैसा टेस्ट आया? बढ़िया, एक चीज की कमी है, सालों ने सीएसई नहीं डाला। भाई खत्म हो गया होगा इनका, बोल दियो कहना नहीं है भाई, बोल डालते नहीं है। तुझे अपना ब्लूबेरी कैसा लगा? बढ़िया भाई, रिफ्रेश करने के लिए बिल्कुल बढ़िया भाई। मैंने लिया क्लास सेगमेंट, ये रिफ्रेश करेगा, जो हमने अभी स्ट्रीट फूड खाया ना उसे ये पचाएगा। तो हमने तिलक नगर का जो स्ट्रीट फूड है, जो इतना फेमस हो रहा था, जो इतना वायरल हो रहा था, सारी चीज ट्राई करी मैंने, आनंद ने, मोहित ने, और अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ये क्या मरा लिया तूने भाई, बंद करो। ये इनकी बक्चोदिया कंपनी होगी। और तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे ही कोई स्ट्रीट फूड की तलाश में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप यहाँ आना चाहते हो तो जरूर आइए, मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो के, बाय बाय बाय, चलो भाई।